नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस हफ्ते हमारे मेहमान हैं पंडित नित्यानंद हल्दीपुर जी। कल आपने इस बातचीत का पहला हिस्सा देखा था, आज देखिए इस बातचीत का दूसरा हिस्सा। जी, अब इस इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में दरअसल जो मेरा प्रश्न होगा वो आपके पीछे मुझे बाबा अलाउद्दीन खान की तस्वीर दिखाई दे रही है और भारतीय शास्त्रीय संगीत में के सबसे जो कद्दावर नाम है उनमें से उनका एक नाम है। मतलब भारतीय संगीत को एक अलग पहचान उन्होंने दिलाई। आपको कभी उनसे मिलने का भी सौभाग्य मिला? नहीं, इत्तेफाक से 72 में उनका देहांत हुआ, सितंबर 6 को। उस समय मैं मुर्डेश्वर जी के पास सीखता था। मुर्डेश्वर जी, देवेंद्र मुर्डेश्वर जी, पंडित देवेंद्र मुर्डेश्वर जी और पन्ना बाबू के दामाद थे, उनके पास मैं सीखता था। लेकिन इत्तेफाक मेरा बैड लक कि उस समय वो मतलब 2-3 साल पहले मैंने शुरू किया था 68 से उनके पास सीखने का। लेकिन उनके नाम सुनते थे, उनके ऊपर चर्चा होती थी, लेकिन वहां जाने का कुछ कभी मौका नहीं। लेकिन आपने अन्नपूर्णा जी से सीखा, विधिवत तालीम ली, ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि हमने सुना है कि वो तो बहुत ज्यादा चूजी थी अपने शिष्यों को लेकर। हाँ। आसानी से तैयार नहीं होती थी कि वो सिखाएंगी। आपके साथ हाँ। का क्या वाकया था? ऐसा था कि वो उन्होंने बजाना बंद किया था, सबको मालूम है उसका कारण। तो मेरे गुरु जो पंडित देवेंद्र मुरेश्वर थे वो दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो में थे और उनकी ट्रांसफर हुई थी बम्बई रेडियो में। उनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं, भूल गए, उन्होंने बॉम्बे ट्रांसफर लिया था। तो ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ने उनको ऐसा सुझाव दिया कि हम लोग चाहते हैं अन्नपूर्णा जी का नेशनल प्रोग्राम करें, तो आप जाके उनको जरा मनाओ। तो उस हिसाब से वो मुरेश्वर जी और वहाँ के बॉम्बे के प्रोड्यूसर थे रमेश नारकनी जी, दोनों गए गुरु माँ को समझाने के लिए कि आप बजाओ। गुरु माँ तो किसी को मिलती नहीं थी किसी को लिए, लेकिन मुर्डेश्वर जी को जानती थी दिल्ली से, क्योंकि तो मुर्डेश्वर जी पंडित रविशंकर के पास खास मतलब एक नजदीक किया थी, इसलिए वो मुर्डेश्वर जी को जानती थी, इसलिए उन्होंने मना नहीं किया उनको आने के लिए। आके जब बातचीत हो गई तो उन्होंने मना कर दिया, फिर उन्होंने जाके समझाया, फिर जैसे हो गया तो इरिटेट हो गई, बोली मैं ना कर रहा हूँ, आप मैं बजाऊंगी नहीं, तो आप मुझे इस चक्कर में मत डालो और इस घर में वापस आना नहीं, मैं किसी को मिलती नहीं, आप बुरा मत मानिए लेकिन ये घर में आना नहीं वापस मुझे मिलने के लिए। तो मुर्डेश्वर जी ने कहा कि मेरी बीबी को आपसे थोड़ा आशीर्वाद लेना था, तो मैं ला सकता हूँ? तो अभी पन्ना बाबू की बीवी बेटी मतलब ना मना भी नहीं कर सकती, तो माँ ने हाँ कर दिया। तो वो जो दिन फिक्स हुआ वो दिन मेरी ड्यूटी थी कि उनको लेके यहाँ माँ के घर में आना। तभी फर्स्ट टाइम मैंने माँ का घर देखा और उनसे मुलाकात हो गई। मुलाकात हो गई मतलब मैंने कुछ बातचीत नहीं की, मैं बैठा रहा चुपचाप, उन लोगों की बात, उन लोगों ने संभाली में बातचीत करते रहे। और फिर सब होने के बाद हम लोग नीचे उतरे तो मुर्डेश्वर जी ने मुझे बोला कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम इनको घर छोड़ो। तो जैसे ही हम लोग घर के गेट के बाहर निकले तो तभी मैं काफी मतलब प्रोफिशिएंट था बजाने में और रेडियो से भी बजाता था, ऑल इंडिया रेडियो से भी मेरे ब्रॉडकास्ट होते थे। तो उन्होंने कहा कि नित्यानंद, हर आर्टिस्ट के सामने एक दीवार खड़ी होती है, और जब तुमको ऐसा लगेगा कि तुम्हारे सामने दीवार खड़ी है तो कुछ सबको छोड़ के तुम इनके पास आना सीखने के लिए, ये हमारे घराने की ऋषि है। तो उस क्षण से मेरे दिमाग में आ गया कि अरे यस, मेरे सामने दीवार खड़ी है अभी भी, तो मुझे इनके पास आना चाहिए। लेकिन कैसे जमेगा, मतलब वो मुर्डेश्वर जी के फैमिली के साथ मैं इतना जुड़ा हुआ था, इतना लव में मतलब प्यार था उनके सजी मेरा, कि उनको छोड़ के दूसरी जगह आना मतलब मुझे ठीक नहीं लग रहा था। फिर भी एक इच्छा तो प्रबल इच्छा थी कि इनके पास आके सीखना है। ऐसे करते करते बाद 13 साल निकल गया। 13 साल के बाद में मेरे एक दोस्त हैं पंडित राजू तारानाथ जी,
बढ़िया मतलब बहुत बड़े सरोत प्लेयर हैं अली अकबर खान साहब के शिष्य, पंडित जी के पास भी सीखे, तो वो आए थे मेरे घर पे, उनको माँ के पास सीखना था तो मैं उनको लेके जाता था। मेरे को मुझे तो नीचे खड़ा रहना पड़ता था, उनके घर में आने की परमिशन नहीं थी। तो दो दिन के बाद मैंने राजू को बोला, राजू तुम अकेले जाओ, मैं तुमको छोड़ने नहीं आऊंगा, क्योंकि अगर मैं तुमको छोड़ने आऊंगा तो मैं तो ऊपर ले जाना पड़ेगा, वहां से मिलाना पड़ेगा। तो वो कंडीशन पे मैं उसको लेके आया और वो दिन माँ से मिला, और माँ से मिलके सेकेंड टाइम दैट वॉज, तो माँ से मिलने के बाद मैंने मेरी इच्छा जाहिर की कि आपके पास सीखना है। तो माँ ने बोला, अरे आप तो अच्छे बजाते हो, आप मैं आपको रेडियो पे सुनती हूँ, आपको क्या जरूरत है सीखने की। तो मैंने फिर उनको बताया कि मैं जब इनके साथ आया था मुरेश्वर जी के विशेष के साथ, तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि आपके पास आओ, आप हमारे घराने की ऋषि हैं और मेरे सामने मुझे अभी दीवार खड़ी दिखती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं जरूर सिखाऊंगी, क्योंकि बाबा का ऐसा कहना था कि अगर अपना बेटा भी लायक नहीं उसको सिखाओ तो पाप, और दूसरा किसी को सीखने की लालसा है और तुम नहीं सिखाओ तो पाप। तो आपको इतनी इच्छा है तो मैं जरूर सिखाऊंगी, लेकिन आपको गुरु की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से मैंने फिर विधिवत गुरु से परमिशन ली, मुंडेश्वर जी से, इनके पास आना शुरू कर दिया। और क्या जो उनका व्यक्तित्व था, मतलब अन्नपूर्णा जी का, कई कलाकारों ने मुझे बताया है कि वो सिखाने को लेकर बहुत रिजिड थीं और घर पे आने की, जाने की या उनसे मिलने की छूट हर किसी को नहीं थी, बहुत ही चुनिंदा लोग थे जो उनसे मिलते थे। ये तो एक पहलू हो गया, लेकिन जब वो तैयार हो जाती थी कि हाँ वो सिखाएंगी, तब भी क्या उनके व्यक्तित्व में वो एक एक नाराजगी कह लें या एक एक अकड़ कह लें या कह लें कि विनम्रता थी, और बस वो सिखाने की तैयारी तक की देर होती थी, अगर एक बार सिखाने को तैयार हो गई तब वो बहुत विनम्र थी, या किस तरह का उनका व्यक्तित्व था? ऐसा कमिटेड गुरु मैंने मेरे लाइफ में नहीं देखा। एक टाइम हाँ कर दिया मतलब हाँ, फिर उनकी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, बीमार है, फिर भी आके वो बैठेगी सिखाएगी, फिर उसमें टाइम का वैल्यू नहीं, एक घंटा देख के सिखाएगी, दो घंटा सिखाएगी, ऐसा नहीं। जितना टाइम चलते रहेगा, जितना टाइम वो सेटिस्फाई नहीं होती कि शिष्य को आया तब तो को सिखाया, ऐसे कमिटमेंट मैंने कभी नहीं दिया किसी के पास नहीं दिया। और कभी गया कि ऐसा कभी उन्होंने कारण नहीं दिया किसी भी शिष्य को कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं। वाकई हम लोग देख रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब चलने में उनको तकलीफ हो रही है, आप माँ आप आराम करो, नहीं बैठो, आप इनके दूर से आओ। अरे माँ तो मैं तो आते रहूंगा, आप आराम करो, नहीं लेकिन आप करो, बैठ के सिखाएगी। और सिखाने बैठती थी तो ऐसे मतलब उनका एक रुद्र मतलब एक जैसे अलग ये हो जाता था कि गुरु एकदम से मतलब गुरु शिष्ट एकदम मतलब कड़क उस हिसाब से कि उसमें फिर हरकत नहीं कर सकते हम कुछ अलग। और वही तालीम खत्म हो गई, मोमेंट वो चेहरा बदल गया एकदम वात्सल्य माँ का जैसे, हाँ ये खाओ अभी चाय पियो अभी ये खाओ, तो स्पेशल बना के बेचारी रखती थी हर एक शिष्य का, उनको अलग अलग उनका था उनका ट्रीटमेंट, तो इसके लिए ये बनाओ, इसके लिए वो दे दो, उसके लिए काजू कतली रखो, उसके लिए बिस्किट रखो, इसके लिए कोको कोला रखो, ये सब उनका जैसा एकदम माँ मतलब वही औरत थी क्या जो सिखाने बैठी थी, और ये अलग ऐसे दो रूप हमने देखे माँ के। और पंडित जी, इन गुरुओं से मतलब पन्ना बाबू, अन्नपूर्णा जी और इसके अलावा भी तमाम दिग्गज गुरुओं से सीखने से एक एक कलाकार के तौर पर जो परिपक्वता आई होगी, मतलब वो आपको लगता होगा कि हाँ ये मेरा सौभाग्य है कि मतलब ऐसे नामी, ऐसे गुणी, ऐसे साधक लोग गुरु के तौर पर मिले। बिल्कुल, मेरे मेरे नसीब में ऐसे है, सभी अच्छे गुरु मुझे मिले, संगीत में ही नहीं लेकिन स्पोर्ट्स में भी ऐसे ही है, फिजिकल फिटनेस में भी ऐसे ही, मतलब जो टॉप मोस्ट जो थे
कोचेस बोल रहे हो जो भी है, ऐसे मुझे मिल गए, मेरा नसीब में बहुत अच्छे गुरु मिले और सबसे बेस्ट मुझे ये गुरु माँ लास्ट में। और क्या इन कलाकारों को देखकर ही या कहें कि इनके साथ संगीत सीखकर ही, एक चीज जो संगीत से इतर आपने सीखी कि एक कलाकार का सहज होना भी बहुत जरूरी है, उसका उसका उसके भीतर की सहजता भी बहुत जरूरी है। सही है, सही है, क्योंकि ये सहजता को निखारना मतलब ये गुरु का काम होता है। इसलिए मैंने कहा कि ये दो ही मतलब व्यक्ति मुझे लगती है कि जो उसकी सहजता को पहचाने शिष्य के और उसको कैसे उभारे, वो मतलब ब्लॉसम करे, वो उनका कैरेक्टर कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी, उसका थिंकिंग कैसा, वो सोच के देख के शिष्य को सिखाना, ये दोनों गुरु मैंने देखे। बाकी सब लोग मैंने जो अभी देखे हैं, गा रहा हूँ आप गाओ पीछे, मैं बजा रहा हूँ आप साथ में बजाओ, जितना उठाने सकते उठाओ, ऐसे ये एटीट्यूड गुरु को गुरुओं का देखा। लेकिन ऐसे नहीं, ये दोनों मेरे गुरु माँ और बाबा अलाउद्दीन खान से, उन्होंने हर एक शिष्य को पहचाना, हर एक शिष्य को अलग अलग शिक्षा दी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हो जाए। पंडित जी, जब अब कभी आप जब सिखाने बैठते हैं अपने शिष्यों को, या कह लें कि जब आप कभी मूड आया और बैठ गए रियाज करने के लिए, आपको कैसी फीलिंग आती है? आपको लगता है कि भी बहुत कुछ बाकी है इस मान लेते हैं राग भूप का आपने जिक्र किया, या कोई भी एक राग अगर आप बजा रहे, लगता है कि भी इस राग में बहुत कुछ करना बाकी है, या अब वो जो दीवार उस वक्त खड़ी होती हुई थी वो कभी दोबारा खड़ी हुई, या लगता है कि नहीं अब दीवार कुछ नहीं है, अब तो बस मन का मन है जहां पर उस राग के ग्रामर के हिसाब से जो कुछ बजाना है सब बजाते रहेंगे? नहीं, अभी भी दीवार खड़ी है, मतलब अभी माँ है नहीं, तो अभी मैं किसको पूछूं? और माँ का म्यूजिक ऐसा है कि मतलब वो करते 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 एक मेरा स्वभाव ही ऐसा हो गया कि दूसरा म्यूजिक सुनता है या मेरा खुद का म्यूजिक मैं करता हूँ तो मुझे वो हजम नहीं होता। उनका जो एक स्टाइल में मैं बजाऊं और थोड़ा एक कुछ मेरा अलग करूं तो मुझे लगता है अरे नहीं, ये थोड़ा अलग हटके हो रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा है। तो भले ही लोगों को ठीक लगे लेकिन मेरे अंदर में वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि ये ठीक नहीं है, तो उसको मैं दीवार ही समझता हूँ। और जब माँ थी तो मैं माँ को पूछता था कि माँ ये मैंने बजाया ये कैसे क्या हो गया, तो माँ उसको फिर ठीक करती थी, ऐसे ऐसे करके देखो, अब वैसे करने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए वो मुझे दीवार लगती। अच्छा पंडित जी, ये जो हम लोग कहते हैं ना कि रियाज करना रियाज करना रियाज करना, आप जैसे वरिष्ठ कलाकार से ये समझना चाहता हूं मैं कि ये रियाज किस लिए जरूरी है? अगर मान लेते हैं राग यमन है या राग चारुकेशी है या कोई भी राग है, एक बार आपने उसका ग्रामर समझ लिया, आपने उसको बजा लिया, 25-50-100 कार्यक्रमों में बजा लिया, फिर आखिर उस राग में ऐसा क्या है कि उसकी 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 प्रैक्टिस जरूरी है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप भूल जाएंगे उसको बजाना, या वो जो परफेक्शन है वो परफेक्शन भी पहले ही आ चुका है, तो फिर वो रियाज होता किस लिए है? ये बड़ा कठिन प्रश्न आपने मुझे डाला है। मुझे मेरा सोचना थोड़ा अलग है कि मैंने जितना बुजुर्गों से सुना है, रियाज इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसको एक क्या बोलते हैं, ये आपके खून में जाना चाहिए वो राग, आप करते 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 जिसको बोलते हैं इन्फेक्टेड, जैसा फीवर आपको इन्फेक्ट हो जाता है, वैसे राग से आपको इन्फेक्ट होना चाहिए, खून में आपको राग होना चाहिए, कि जिस वजह से उसको एक नेचुरल मोमेंट आपके दिमाग में हृदय में आपके इसमें, आप कभी भी मतलब उसको सोचो तो अपने हाथ से निकलना चाहिए। और कई कई ऐसी बातें होती है कि दिमाग में आपको कुछ मैंने आया, हाथ से नहीं निकल रहा, तो इसके लिए वो हाथ से निकलने के जो भी सोचा वो हाथ से निकलने के लिए वो रियाज का जरूरत होती है। तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड अगर आपने सोचा, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आया लेकिन हाथ से निकलता नहीं, तो आपका विचार वहां खंडित हो गया, तो आपका जो फ्लो है थिंकिंग जो है वो कट हो गया,
मतलब फिर आपको वापस कुछ नया सोच के नया करना है इसमें, मेरे ख्याल से उसमें वो थोड़ा ढांचा बिगड़ जाता है। अभी अभी जैसे आपकी दिनचर्या में कितना रियाज रहता है? बहुत कम। वो माँ बोलती थी आपका रियाज ऐसा है तो पहले घर में घुसने नहीं थी। लेकिन ये भी टाइम है कि बहुत मुझे संभाल लिया उन्होंने, कम रियाज के बावजूद भी उन्होंने मुझे संभाल लिया। एक आखिरी सवाल पंडित जी ये जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे भी नए कलाकार भी इस इंटरव्यू को देखेंगे, एक एक कलाकार के लिए जो नया बिगिनर है, वो चाहे बांसुरी सीख रहा हो या कोई शास्त्रीय नृत्य सीख रहा हो या शास्त्रीय गायन सीख रहा हो, कौन सी दो तीन बहुत बुनियादी चीजें हैं जिसका हमेशा उसको ध्यान रखना चाहिए? बुनियादी चीज मतलब एक तो राग का स्वरूप शुद्धता, वो नहीं बिगाड़नी है, क्योंकि आजकल ये जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि तैयारी के पीछे, स्पेशली वाद्यों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने हाथ जैसे चले उस हिसाब से राग में बजाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, राग के हिसाब से अपना हाथ चलना चाहिए। तो एक तो पहली बात यह है, और फिर मेहनत करते 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 जैसे कि यह होता है कि घमंड आ जाती है, हम थोड़े वर्जिश करते हैं फिर थोड़े मसल दिखते हैं तो हाफ शर्ट थोड़ा और भी ऊपर करके घूमते, वही एटीट्यूड फिर संगीत में भी आ जाता है कि थोड़ा सा हाथ चल रहा है, थोड़ा सा ये आ गया, तो एक एरोगेंस आ जाता है। तो उसमें बुजुर्ग कलाकारों को भी उतना ही आपको, मतलब आप अभी बुजुर्ग कलाकार हो गए, आपको मतलब एबिलिटी नहीं है परफॉर्म करने की, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कभी नहीं बजाया है, तो उनको भी उतना ही रिस्पेक्ट दे के यंग कलाकारों को वही करना चाहिए कि उनका मान रखना चाहिए, उनको इतना ही रिस्पेक्ट दे के बात करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने समय निकाला और दिलचस्प बातचीत रही, साथ ही साथ हमको पन्ना बाबू के और अन्नपूर्णा जी के इतने किस्से आपने सुनाए, बहुत बहुत आभारी हैं आपके कि आपने समय निकाला। धन्यवाद धन्यवाद।